बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया की भारत को धमकी, कहा हम मैच नहीं खेलेंगे। क्रिकेट गेम खेलने से पहले कंगारू अभी से माइंड गेम खेलना शुरू कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच ने भारत पर साधा है निशाना। तो क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, टीम इंडिया 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मुकाबलों की घरेलू टेस्ट सीरीज खेलेगी, मगर भारत आने से पहले ही कंगारू टीम के खिलाड़ी भारत के खिलाफ खूब जहर उगल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज इयान हिली ने भारत पर निशाना साधते हुए मेहमान टीम के एक भी अभ्यास मैच नहीं खेलने के निर्णय को सही बताया है। उनका कहना है कि भारत में उन्हें प्रैक्टिस के लिए अनुरोध के मुताबिक पिच नहीं दी जाती। इयान हिली ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत पर कहा, हमने सिडनी में अपने स्पिनर्स के साथ भारत दौरे के लिए योजनात्मक बातचीत की है। हमें अब भरोसा नहीं है कि जो सुविधाएं हम उनसे मांगेंगे वो उसे पूरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारे साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी काफी समय से हो रही है। क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच भरोसे को इस तरह टूटते हुए देखना निराशाजनक है और इसे रोकने की जरूरत है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने भारत पर पिच की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, जब हम असल मैच खेलते हैं तो भारत में अधिकतर विकेट स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है, मगर अभ्यास मैच के दौरान हमें गाबा जैसी हरी पिच पर मैच खिलाया जाता है, लिहाजा हम कोई भी अभ्यास मैच नहीं खेलेंगे और हम तैयार हैं भारत को चुनौती देने के लिए। तो दोस्तों, इयान हिली और उस्मान ख्वाजा के इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।